और यार तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ना सब कुछ मेरी स्नाइपिंग के ऊपर निर्भर है। अगर मैंने शॉट मिस करे तो हम हार जाएंगे। लेकिन तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक बिरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी तो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो यहाँ पे आखिर में जाके हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे अगर मैंने शॉट मिस कर दिया ना तो सीधा पेटी बनेगी। लेकिन जो भी होगा यार मस्ट टैप होगा, खैर वो थोड़ा आगे जाके होगा। फिलहाल अपन रुझाव का रखे हैं और सिर्फ एक सस्ती पिस्तौल मिली है मुझे, सिर्फ एक पिस्तौल मिली है। अब यहां रोझोक में उतर के हालत इतनी बुरी चल रही है कि यार क्या ही बताऊं। ठीक है, मतलब पिस्तौल से बड़ी मुश्किल से गलती से एक बंदा नॉक किया भाई, उसको फिनिश तक नहीं कर पाया मैं, क्योंकि भाई गोली खत्म हो गई। खैर यहां पे मैं गोली गोली ले लेता हूं, है ना, हमारे भाई पे मस्त लूट होती है बिल्कुल खतरनाक सी। तो हाँ मैं बगैर बेशर्मों की तरह लूट लेता हूँ भाई की लूट। खैर जो भी हो आगे रस करेंगे, M4 मिल चुकी है तो हाँ यार थोड़ा चौड़ में रस कर सकते हैं और आगे बंदे हमारे। और यहाँ पे मेन बात ये है कि यार M4 की भी गिनी चुनी गोलियां बाकी हैं, है ना, तो जो भी करना होगा यार ढंग से करना होगा। ये प्री फायर पोस्ट फायर करूंगा मैं तो ठिल जाऊंगा मैं खुद। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि यार मैं अपना नारा इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैंने गोली तब तक चलाई जब तक पेटी ना बने तो भैया गोली खत्म हो जाएगी और मेरी खुद की पेटी बन जाएगी। और जैसे तैसे इस बंदे को पेलने के बाद यार सिर्फ 10 गोली बची पड़ी होती है। खैर भाई पे लूट दबा के होती है ना, मतलब यार गन भले ही सस्ती थी M16, लेकिन यार गोली दबा दबा के थी। तो सारी उठा लेता हूं और बाकियों की पेटी बनाने चल देता हूं आगे। और जिस हिसाब से ये लोग यहाँ पे नोक पड़े थे यार, मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है बचाने। अरे इनका टीममेट भैया कहीं झरकी झुरकी में जाके गत्ते फूक रहा होगा बिल्कुल। खैर इन लोग की हम पेटी बना देते हैं और निकलते हैं रोजॉक से। अब देखो मैं किधर जाना चाह रहा हूँ, अमेजिंग पार्क में, क्योंकि भैया पोचंग की झोर जनो वो कोई नहीं आता यहाँ पे, हर किसी को अमेजिंग पार्क जाना है। तो हाँ मैं गाड़ी उठाता हूँ वहीं पे जा रहा होता हूँ देखने की यार सीन क्या चल रहे हैं। फिर लैग होता है और लैग होने के बाद बग्गी की आवाज आती है। और जिस तरफ ये बग्गी बढ़ रही है ना वहां पे सिर्फ एक चीज है, एक सस्ती नदी। तो मुझे नहीं लगता ये लोग नदी पे गए होंगे, नीचे ही रुके हैं ये लोग। और जहां तक मुझे लग रहा है यार ये दोनों के दोनों बंदे अमेजिंग पार्क से आ रहे हैं, है ना, क्योंकि लूट जो इन पे थी यार मजा टैप आ गया। अगर आप रोझोक को 10 बार भी लूटोगे ना तब भी इस लेवल की लूट नहीं मिलेगी आपको यार। अमेजिंग पार्क बहुत जहर जगह है, मतलब अगर वहां आप पूरा परिवार लेके भी जाओगे ना भाई हर किसी को गन मिलेगी। खैर जो भी हो इन दोनों बंदों को पेल देते हैं और जिस हिसाब से ये लोग इधर उधर कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कोई आने वाला यार। इनके दोस्त वहीं अमेजिंग पार्क में रह जाते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। खैर वहां पे मैं पहुंचता हूं, उस अमेजिंग पार्क में कोई नहीं होता तो मैं दूसरे अमेजिंग पार्क में आता हूं और यहां पे लूट के साथ साथ बंदे भी दबा के होते हैं। और जिस हिसाब से गोलियां चल रही है ना यहाँ पे, जो गोलियों की आवाज थी भाई बहुत अलग लेवल पे है ना। तो इसकी इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि भाई 3 सकोर तो कम से कम बैठी है यहाँ पे। और देखो ये जो ऊपर वाली जगह है यहाँ पे कैंप बंदे दबा के करते हैं, मतलब बढ़िया जगह है यार, हाई ग्राउंड भी है, कवर भी है ना, फट्टे भी लगे, और क्या चाहिए कैंप करने के लिए। तो देखो जो भी करना होगा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि यार 2-3 सकोर बैठी है, हलवा नहीं चल रहा है, सीधा पेटी बनाएंगे ये लोग। तो मैं नेट करने की कोशिश करता हूँ पहले। अब देखो उस बंदे के पाँव में मैंने 12 गोली मारी,
हाँ मैं बैठ के गिना हूँ, अभी 2 मिनट यहीं पे बर्बाद हो गए मेरे, लेकिन हाँ गिना मैंने वो बैठ के। ठीक है अगर मैथ कमज़ोर होगी तो, लेकिन यार 10 तो कम से कम लगे उसे। ठीक है 10 गोली पाँव पे मारा M4 का, भाई कुछ नहीं हुआ बंदे को। यार पाँव पे मतलब मारना बेकार है भाई, सर पे एम क्या करो। खैर यहाँ पे मैं घुस के पेलने की कोशिश करता हूँ अब। रुको अरे यार पेटी बना, वही ऊपर है मत जा। और अच्छा हुआ यार इस बार पाँव पे गोलियां नहीं लगी, नहीं तो यार मेरी ही पेटी बनती। खैर जो भी हो ऊपर 2 बंदे नो किए मैंने, तो यार रिवाइव करना पड़ेगा। मैं धैड़ पैड रिवाइव करता हूँ, हेल्थ हुल्थ पेल दिया यहाँ पे, अब जाके सीधा रस करूंगा क्योंकि यार किल बहुत कम है, रस करना ही पड़ेगा। और देखो यार सबसे खतरनाक जगह कैंप करने के लिए पबजी मोबाइल में अभी ये अमेजिंग पार्क है ना, झाड़ियों को छोड़ के, क्योंकि झाड़ी पे कैंप वो उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये भी खतरनाक जगह है। और हमारे ये चमकीले कपड़ों वाले भाई पता नहीं कहां से पहले फायरिंग करते हैं, लेकिन बाद में रस करते तो मैं पकड़ लेता हूं। अब देखो मेरे को बस एक बात याद रखनी है कि भाई यहाँ पे कम से कम 200-300 कॉर्ड बैठी पड़ी थी और हम हमारे आने से पहले यहाँ पे फाइटें भिड़ रही थी। तो देखो भले ही मैंने 1 सकॉर्ड के पता नहीं 2-3 बंदे पेल दिए हैं, लेकिन अभी भी संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि यार बंदे यहीं कहीं हैं, आगे से भी कोई गोली चला रहा है और जहाँ तक मुझे पता है आगे से जो चला रहा है वो 2री सकॉर्ड का बंदा है और ठीक अपने नीचे भी ज़्यादा बंदे हैं। हाँ एक आध बंदे अपने नीचे भी हैं, लेकिन जब मैं गेम खेल रहा होता हूँ ना तब ये बात पता नहीं होती मुझे। चलो लेफ्ट में तो एक बंदा मैं नॉक करता हूं, हमें अभी लग रहा होता है कि जो भी बंदे हैं आगे पे बैठे हैं, क्योंकि यार जब भी मैं गेम खेलता हूं मैं मैप को बहुत ही कम देखता हूं और गड़बड़ हो सकती है इसी बात के चलते। और ये बंदे हमारे नीचे बैठे होते हैं, मतलब मुझे हल्के से जब मैं कूदने वाला था हल्के से फुट स्टेप आए थे, मुझे लगा कोई नोक पड़ा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है यार खड़ा था बंदा। खैर पीछे वालों को पेल दिया, अब आगे एक बंदा नोक किया था तो यार उसे पेलने की बारी आती है। यहाँ पे तुम्हारा भाई अंधे नेड़ खींच के फेंक देता है, जिससे सिर्फ एक ही फायदा होता है मेरा, थोड़ा बैग खाली हो जाता है। अब देखो यहां पे मैं ऊजी लेके फुल चौड़ में कूद रहा था, है ना, चलते चलते यार आधे रास्ते पे गोली खत्म हो जाती है। ठीक है मैं पूरे नशे में पूरे जोश में खेल रहा होता हूं तो यार पता भी नहीं चलता। अच्छा हुआ M4 उम्पोर थी तो बदल के पेल दिया इनको, और इसी के साथ अमेजिंग पार्क में जो बचे कुचे बंदे बैठे होते हैं सारे ठिल जाते हैं। खैर अब यहां से बाहर जाएंगे और सस्ती स्नाइपिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्स बैट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल और इसके साथ साथ और भी कई सारे गेम्स स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपये तक का बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। तो हाँ यार अगर आपको इस चीज़ का शौक है तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, आप पेटीएम पेपाल गूगल पे किसी से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, तो इस ऐप को आप ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यहाँ पे इन स्क्वाड को पेलने के बाद एक और स्क्वाड अमेजिंग पार्क की तरफ आती है ना, लेकिन वो लोग दूर रुके हैं और मैं बंदा नोक भी कर देता हूँ तो यार यहाँ पे तो वो कद्दू भी नहीं आने वाले। खैर उनको छोड़ के मैं दूसरी जगह चलता हूँ जहाँ पे जोन है और जहाँ पे बंदे बैठे पड़े हैं। तो सामने वाले घर पे बंदे बैठे पड़े हैं, गाड़ी गुड़ी दिख जाती है हमें और बंदे भी भगना चालू करते हैं, तो हम भी स्प्रे देते हैं।
अब यहां पे मैं फिर से बोटो वाली हरकतें करता हूं, है ना। पहला बंदा भगा, उसे डैमेज दिया। दूसरा बंदा घर के अंदर गया, उसे भी दबा के डैमेज दिया, लेकिन कोई भी नहीं ठिला। तो यार बोट वाली फीलिंग आ रही होती है। खैर मैं बोलता हूँ ठीक है यार, देखो लो कर दिया इन्हें, अब हील इन्होंने कर ही लिया होगा, लेकिन हम भी ठीक है तो जून के बाहर जाके रस करते हैं हम। अब यहाँ पे आके पता चलता है टोटल 3 बंदे बैठे पड़े हैं। तो देखो एक को नॉक कर दिया, दूसरे को भगते हुए पकड़ लिया, अब बस एक ही बंदा बाकी है जिसके फुट स्टेप उस सैक के पीछे से आ रहे हैं। तो करना क्या था यार, जोन भी आ रहा है, डैमेज भी हो रहा है, रस ही करना पड़ेगा। ओपन से रस करेंगे बिल्कुल। और हमारे भाई पे भी डीरॉप की गने होती हैं। भाई पे भी क्या, भाई पे डीरॉप की गने होती है यार, मैं तो सिंपल गने चला रहा हूँ। खैर यहाँ पे मैं जैसे तैसे जोन के अंदर आता हूँ, उसके बाद दोबारा जोन के बाहर जाता हूँ। किस लिए बाहर गया, लूटने के लिए यार, लूट की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यार बंदे पहले तो लूटना तो पड़ेगा, और बाद में जब जोन जाने वाले होते हैं तब गलत सीन हो जाते हैं असली। हाँ हमारी गाड़ी अटक चुकी होती है। ठीक है तुम्हारा भाई जोन के बाहर गया, सब कुछ किया, जोन के बाहर गया लूटा, दूसरी पेटी भी लूटने जा रहा हूँ। उसके बाद क्या पता चलता है अपने को कि भैया गाड़ी ही अटक चुकी है, और थोड़ी देर बाद होश आता है कि यार जोन आने वाला है। तो क्या करना है यार, वो गाड़ी फंस जाती है वहीं पे, तो ये धुआंदार गाड़ी लेके निकलना पड़ता है क्योंकि मजबूरी होती है यार। और इस गाड़ी में बोट भी गोली चलाएगा ना अपने पे, हम तब भी ढिल जाएंगे। खैर जैसे तैसे करके मैं बाइक का जुगाड़ करता हूँ, और उसके बाद इस घर पे रस कर देते हैं। क्या पता इस बंदे पे गाड़ी हो, कुछ भी नहीं होता यार, नंगा बैठा होता है भाई हमारा। तो हमारे यहाँ पे अकेले भाई अकेले बिल्कुल कैंप कुम डाल के बैठे होते हैं, गाड़ी गुड़ी टीममेट कुछ भी नहीं होता भाई पे। और यहाँ दूर पे भी बंदे इस अकेले बंदे पे स्नाइपिंग कर रहे थे। तो यार कार 98 मेरे पे भी है, मैं भी चला के देख लेता हूँ। दो है ना, तूने राइट वाले को मारा, 70 पे एक बंदा। अब देखो ये जो पेड़ है ना, बहुत ही सस्ते पेड़ होते हैं, इन पेड़ों पे कवर लेना यार कभी भी पेटी बन सकती है। तो एक बंदे के मैं पाँव पू में गोली मारता हूँ, लेकिन यार 10-12 M4 की गोली से नहीं ठिला पाँव पे मारने से, तो यार मेरी सस्ती स्नाइपिंग वो भी पाँव पे मारने से कद्दू कोई ठिलेगा। खैर आगे पत्थर में बंदा बैठा होता है, और वो लेटा नहीं होता यार भाई, बैठ के पिक करते हैं, तो मैं भी पिक करके खड़ा रहता हूँ। और आखिरकार जाके पहला जिंदगी का इस मैच का पहला हेडशॉट लगता है मेरा। जिंदगी में बहुत लगे यार, गलती से लगते रहते हैं। खैर उसको नॉक करता हूं, लेकिन बंदा रिवाइव देने जाता है उसका। चले ओए, दोन चलते जल्दी जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं फुल मजे में अपनी फालतू में M4 की गोलियां बर्बाद कर रहा होता हूँ। उसके बाद मुझे होश आता है कि यार जोन भी जाना है। ठीक है मुझे होश नहीं आया था, मैं फिर भी बेहोश था, लेकिन हमारे भाई चिल्लाने लगते हैं भैया जोन चलो जल्दी, पेटी बन जाएगी। तो देखो ये स्नाइपर टावर जोन में होता है, और यहाँ आगे एक बंदे को मैं लेटते हुए भी देख लेता हूँ। अब देखो बंदा कहीं पे तो लेटा था, लेकिन जब तक गोली चलाई बहुत देर हो चुकी थी, भाई मेरे ख्याल से कवर में जा चुके हैं। तो करना क्या था यार, वहां बाहर पे मैं खड़ा रहूंगा तो मेरी कोई भी कहीं से भी पेटी बना देगा। तो मैं अंदर आता हूँ, ये बिल्डिंग भी, ये स्नाइपर टावर भी बहुत सस्ती जगह होती है, हर तरफ से खुली होती है, लेकिन यार अपनी मजबूरी है। तो हाँ मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, उसी बंदे पे स्कोप खोल के बैठा हूँ, क्योंकि यार उसे नहीं पेलाना तो जोन जाते टाइम वो बहुत दिक्कत करेगा, और जोन अपने पे बनेगा नहीं लगभग हमेशा की तरह।
और यहाँ पे मैं बॉडी शॉट वगैरह देता हूँ, लेकिन यार कद्दू कोई नोक नहीं होता। तो देखो उस पत्थर के पीछे वाले बंदे ने स्मोक वगैरह बना लिया है। अब अगर मैं जून में बाइक से जाऊँगा ना, तो बाइक में बैठते ही मेरी पेटी बन जाएगी। तो करना क्या था यार, जून धोखा दे चुका है और अब ओपन से ही भगते हुए जून में घुसना पड़ेगा। और उस बंदे का समूह हमें फायदा दे जाता है ना भाई। समूह में बैठे पड़े हैं हम, आगे आ गए, भाई को कद्दू कुछ पता नहीं चला। और अब और आगे बढ़ेंगे। और यार तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ना सब कुछ मेरी स्नाइपिंग के ऊपर निर्भर है। अगर मैंने शॉट मिस करे तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर फेल दिया तो यार बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर जो भी हो, आगे मूली मूली करता हूं, जोन आ जाता है और भगना ही पड़ता है यार, भग के ही पेलना पड़ेगा। और यहां पे मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये बात बोल रहा हूं आज। अगर हम अभी जिंदा हैं तो यार सस्ती स्नाइपिंग की वजह से। अगर देखो वो दोनों हेडशॉट अगर मैं नहीं पेलता, दो गोली में दो हेडशॉट, तो हम जैसे तैसे भी ठिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पे भी बंदे थे अपने और राइट में भी बंदे थे, सॉरी लेफ्ट में भी बंदे थे। तो दो गोली चला तो दोनों हेडशॉट लगता है और दोनों बंदों को पेल देता हूँ मैं। एक बंदे पे लेवल 3 का हेलमेट होता है तो यार वो नोक नहीं होता, लेकिन वो भग के जाता है रिवाइव देने के लिए, और M4 की एक गोली से भाई का काम हो जाता है। खैर लेफ्ट में जो भी बंदे थे ठिल चुके हैं, अब बस आगे की तरफ बंदे बाकी हैं। और ऊपर चलते चलते पत्थर के बगल में भी एक सांप बना होता है, तो उसकी भी पेटी बना देता हूं। तो देखो अब बस दो ही बंदे बाकी हैं, और जहां तक हमें पता है वो लोग भी ऊपर बैठे हैं, क्योंकि अगर पीछे और नीचे की तरफ होते तो हमारी कब की पेटी बन गई होती। खैर यहां पे मैं नेट नूट फेंकता हूं, और नेट से बंदा तो नहीं ढिलता, लेकिन यार नेट के डर से बंदा भागने लगता है। अब देखो वो बंदा जोन के अंदर नहीं था जहां तक मुझे लग रहा है, उसके बाद मैं नेड भी फेंक देता हूं, तो भाई बाहर की तरफ आते हैं, बाहर आके स्प्रे वगैरह देते हैं, जिससे यार कुछ भी नहीं होता। मैं नॉक कर देता हूं बंदे को, और उसके बाद भाई यहां पे आ रहा है, और देखो क्या बोलते हैं भाई इधर आके। हेलो ब्रो, हेलो हेलो ब्रो, भाई टीम अप कर ले, भाई टीम अप कर ले, टीम अप भाई मजे कर ले। अब इस भाई ने टीम अप को हलवा बना के रखा है ना। भाई बोलता है यार टीम अप कर ले, मजे कर ले। मतलब कैसे टीम अप करके कैसे मजे कर लेंगे यार, मेरी समझ के पार है। अबे ये तो टीम अप करने आ गया लोग। अब देखो यहां पे सीन कुछ अलग है, ये बंदा मीटअप के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। भाई को नहीं पता कि मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ, जो भी सीन है, नहीं, बंदा टीम अप करने के लिए आ रहा है। अब देखो टीम अप और मीटअप में बहुत फर्क होता है ना, और टीम अप में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो है गलत सीन होना। तो देखो मैं भाई को बोलता हूँ भैया गन गुन छोड़ दो, बंदा गन छोड़ देता है, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ क्या पता मीटअप होए। तो मैं पूछता हूँ भाई से कि यार क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों भगते हुए आए, तो भाई कुछ ऐसी बात करते हैं। देखो यार आप भाई टीम अप ब्रो। अरे उससे क्या टीम अप करने से मतलब ऐसे कर रहे ऐसे ही हर बार लास्ट टाइम लोग ऐसे ही करते हैं।
अब देखो, एक आध दिन पहले मैंने एक सस्ती मूवी देखी। उसपे एंडिंग में ऐसा होता है कि भैया बताया ही नहीं जाता क्या हुआ सीन, है ना। उसमें बोला जाता है कि भैया जो तुम सोच रहे हो वो है एंडिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी ऐसी बनाई जाए। मतलब ठीक है, वीडियो और मूवी बहुत बहुत फर्क है यार, अपनी वीडियो बहुत सस्ती होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप इस बंदे की पेटी बना देते या इसे चिकन दे देते? अब देखो, आप क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर है। कि अगर आप रैंक पुश कर रहे हो वो अलग सीन होता है, आप मस्ती के लिए खेल रहे हो वो अलग सीन होता है। तो देखो, यहाँ पे दो बंदे होते हैं, जाहिर सी बात है दोनों बंदे ऊपर पे बैठे थे। इनका पहला बंदा फायरिंग करता है और दूसरा बंदा छुपा हुआ होता है। याद रखना, पहले बंदे ने फायरिंग की थी और वो हमें पेलना चाहता था। अब देखो, अगर फायरिंग में मैं नॉक हो जाता तो ये लोग सिंपल सी बात है यार हमें आराम से पेल देते। लेकिन सीन क्या होता है, मैं उसे नॉक कर देता हूं और बस एक ही आखिरी बंदा बाकी होता है। ये आखिरी बंदा बोलता है कि यार मीटअप करने जाऊंगा मैं, भाई कूदते हुए आते हैं। अब देखो, आखिरी बंदा बचा होता है और इसे भी पता होता है यार चिकन कद्दू भी नहीं होने वाला। और याद रखो, अगर आपने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी थी, उसमें हम दो अलाइव होते हैं और एक आखिरी बंदा बचा होता है, वो कूदने लगता है, मैं उसे छोड़ देता हूं, ठीक है, मैं उसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो क्या करता है, हम दोनों को पेल देता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार देखो, मैं ऐसे करता नहीं एंड में कि भैया ये वीडियो देख लो, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उससे यार पता चलेगा कि क्या सीन होते हैं पबजी में। खैर, यहाँ पे देखो मैं आपको दो बात बताता हूँ। पहली बात ये, अगर मैं नॉक होता, अगर आप मेरी जगह हो और आप नॉक होते तो ये लोग रस करते और आप दोनों को पेल देते। अगर आप अकेले बैठे होते और आप कूदने लगते तो ये दोनों आपको पेल देते, सिंपल बात। लेकिन अब यहाँ पे मेरी जगह पे आप हो तो आप क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और देखो, जो इस भाई ने आखिर में बोला ना कि यार हम हर बार ये करते हैं, वो बात सब सीधी झूठ है, ठीक है। क्योंकि अगर ये लोग हर बार ये करते तो यार पहले ही कूदने लगते, तब नहीं कूदते जब मैं इनका बंदा पेल गया। खैर, जो भी हो, मुझे कमेंट करके प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते, और वो वीडियो देखना मत भूलना। तो बस भाई लोग, यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही गलत सीन हुए थे मेरे साथ। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जरूर देखना उस वीडियो को। तो कल मिलते हैं भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना। कल मिलते हैं, बाय बाय।